नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी लेखिका डॉक्टर गीता श्री जी। वो इंदौर में आयोजित महिला साहित्य समागम में भाग लेने के लिए आई हैं और हाल ही में उनका एक उपन्यास हसीनाबाद बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। हम उनसे बातचीत करेंगे आज के आयोजन को लेकर और वर्तमान साहित्य की स्थितियों को लेकर। नमस्कार, शुक्रिया घमासान.com, आप लोगों ने इतना भव्य आयोजन किया। एक स्वप्न था हमारा कि हम सब महिलाएं एक मंच पे पूरे देशभर की एक साथ हम इकट्ठे हो और बातें करें, साझा करें, एक बहनापा विकसित हो हमारे बीच। वो मौका आप लोगों ने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। जी बताइए। आपका जो उपन्यास है हसीनाबाद, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? एक ऐसा उपन्यास है जो मेरे अनुभवों का, मेरे शोध का एक निचोड़ है, या आप कहीं मेरी संवेदनाओं का वो विस्तार है जो मैं अपनी पत्रकारिता में रहते हुए नहीं कर सकी थी, जिसके लिए मुझे साहित्य की पनाह में आना पड़ा। और वो उपन्यास नहीं, वो एक जो ब्रुथेल होता है इलाका जहाँ पर समाज से बहिष्कृत औरतें, हाशिए पर धकेल दी गई औरतें जहाँ रहती हैं, जिनकी बात कोई नहीं करता, वो समाज की अंतिम स्त्री है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं उसके बारे में बात करती हूँ, सिर्फ बात ही नहीं करती हूँ उस उपन्यास में, उनका आँखों देखा हाल पेश करती हूँ और एक साथ में एक नई दुनिया का खिड़की खोलती हूँ कि यहाँ से निकली हुई स्त्रियाँ कैसे सभ्य समाज में एक, मतलब सो कॉल्ड सभ्य समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कैसे छटपटाहट होती है, वो कैसे आती है और कैसे समाज उनके साथ डील करता है। क्योंकि हमारा समाज बहुत पाखंडी है, उसको अपने मनोरंजन के लिए ब्रोथेल तो चाहिए, वो अपने लिए अलग स्त्रियां बसाएगा, लेकिन उनके प्रति समाज का कोई दायित्व तो है, या वो स्त्रियां हैं उनका भी कोई मन है, या उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, या उनको भी पुनर्वास का हक है, या उनको भी दूसरी स्त्रियों की तरह जो आपके समाज की स्त्रियां हैं इज्जत से जीने का हक है, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो जो सदियों से अन्याय की मारी हुई स्त्री की कथा आप हसीनाबाद की। आपको क्या लगता है कि इन दिनों जो महिला लेखिकाओं द्वारा जो लेखन किया जा रहा है वो वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण है? जी, ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। आप देखिए कि जब हरदेवी और मल्लिका वगैरह ने लिखना शुरू किया था, सिमंतनी उपदेश और स्त्री बिलाप, वो दौर अलग था जब उनको अपना नाम छुपाना पड़ता था। वो अपने नाम से अगर उनको कोई विरोधी लेख लिखना है या स्त्रियों को जगाने वाले लेख लिखने हैं तो नाम से नहीं लिखती थी, क्योंकि वो उनको समाज उनका बहिष्कार कर देता था और उस पड़ोस के लोग अपनी औरतों को उनसे मिलने नहीं देते थे। और उस समय का जो लिटरेचर था और आज का भी, अब तो थोड़ा बदला क्या, उस समय चुनौती ये थी कि साहित्य दो तरह की स्त्रियों को नज़र में रख के लिखा जा रहा था, एक तरफ बुरी स्त्री, एक अच्छी स्त्री। बुरी स्त्री, अच्छी स्त्री वर्सेज, अच्छी स्त्री वर्सेज बुरी स्त्री, ये चुनौती थी। आज की जो स्त्रियाँ लिखन कर रही हैं उन्होंने इस चुनौती को हटा दिया है। हमें ये पता है, स्त्रियों को ये पता है कि भली स्त्रियों का कोई इतिहास नहीं होता, तो उनको भला नहीं बनना है और उनको बुरी स्त्री भली स्त्री के बीच में स्त्रियों को नहीं बांटना है। तो ये जो चुनौती है ना हम स्त्रियों के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने को बुरी समाज की नज़र में बुरी औरतों का तमगा, भली औरतों के बीच से एक ऐसी स्त्री का निर्माण करना है जिसको पूरा समाज बराबरी से देखे, उसको व्यक्ति समझे, एक यूनिट समझे, वो किसी पितृसत्ता, किसी पैट्रियार्की की उपनिवेश ना हो। जी, हाल ही में जो स्त्री चेतना के नाम पर जो मीटू अभियान शुरू हुआ है तो उसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच एक विभाजन हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ था, उनकी सहजता भी खत्म हो गई। देखिए, मैंने एक भाषण, मतलब एक जगह डिबेट में ये बात बोली थी कि एक इस मीटू अभियान से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें आई, सारे घाव खुल कर आए और एक कोर था, एक जो यौनिक हिंसा थी स्त्री के, सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन और जो हमले होते थे
उस पर स्त्रियाँ एग्रेसिव हुई हैं, अब नहीं सहेंगे, और नो का मतलब नो होता है। एक नई तरह का मुहावरा समाज को दिया कि नो का मतलब नो, आप जबरन नहीं कर सकते कि आप किसी लालच दे के और उसको आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करें। स्त्रियों ने बोलना शुरू किया देर से ही सही, स्त्रियों को जुबानी अब आई है तो बोलेंगी कब। जो लोग कहते हैं ना कि अब क्यों बोल रहे हो, अरे यार 25 साल पहले का समाज और आज के समाज में इतना अंतर है। आप देखिए इतनी स्त्रियां लेखन में थी कभी, तो आज अगर आई हैं तो इसलिए आप आई हैं क्योंकि समाज बदला, समय बदला, संसाधन मिले, अवसर मिला, मौके मिले, तो स्त्रियां बोल रहे और शिक्षित हुई, शिक्षा के साथ उनको अधिकार चेतना संपन्न हुई, उनको अधिकार समझ में आया, उनको वो पहले लिखने लगी फिर वो बोलने लगी, फिर उनको लगा कि लिख और बोल दोनों सकती हैं, तो जैसे लिखने की ताकत आई बोलने की भी ताकत आ गई तो स्त्रियां बोलने लगी। लेकिन जो मैंने ये शंका जाहिर की थी, जो आज आपने ये सवाल पूछा, वो बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सवाल पूछने वाला एक पुरुष है, जवाब दे रही एक स्त्री, और ये इस विभाजन को आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रही हूँ। मुझे भी लगा था कि एक गहरा अविश्वास आ गया है दोनों में। अब क्या हुआ है कि पुरुषों को जितना जो देखा है मैंने, अरे यार अब वो लड़कियों से बात करते हुए बहुत सचेत रहते हैं, संबंधों की सहजता चली गई है, लड़कियां भी अब हिचकने लगी हैं या वो भी अवेयर हो गई हैं, वो पुरुषों को नोटिस करने लगी हैं, उनको उन्होंने रडार पे ले लिया है कि इनका ये बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है, वो सशंकित रहने लगी हैं। और पुरुष हैं वो भय में है कि क्या पता हमसे नाराज हो जाए, हम कुछ काम कह दें, हम टाइट करें इनको, इनसे काम लें, या जेन्यूनली भी डांटें तो हम पे हो सकता है ऐसा आरोप लगा दें। लेकिन ये दोनों तरह की सोच निर्मूल है। मेरा मतलब ये, मैं चाहूँगी कि दोनों पक्ष इस चीज़ पे थोड़ा काम करें। अगर ये विभाजन बढ़ता रहा तो नुकसान स्त्रियों का है, पुरुषों का नहीं है। क्यों? पुरुषों का नुकसान ये होगा कि उनको एक साथी के रूप में स्त्रियां मिली थी, वो साथी पीछे छूट जाएंगी और वो सिर्फ पुरुष पुरुष आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों का नुकसान ये होगा कि बहुत मुश्किल से उनको काम करने की आज़ादी मिली थी, अवसर मिले थे, उनको चुनौतियों में खुद को साबित करने का मौका मिला था, वो पीछे छूटती चली जाएंगी, उनके रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, उनको नौकरियां कम मिलेंगी, उनको लोग नौकरी नहीं देंगे। देखिए ऐसे भी 40 पार स्त्रियों के लिए नौकरी नहीं है, यंग लड़कियों को आसानी से नौकरी लोग दे रहे हैं, जैसे ही 40 पार की लड़कियां दोबारा से कहीं छोड़ के जाना चाहती हैं उनके लिए काम नहीं है। तो इसलिए लड़कियों के लिए तो ऐसे भी नौकरियों में बहुत दिक्कत है, अभी भी समाज में भेदभाव है, क्योंकि सारी सत्ता अभी भी नौकरी में, मीडिया में, जहाँ भी देख लीजिए, चाहे साहित्य में, वो पितृ सत्ता के कंट्रोल में है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है अभी भी, तो बराबरी तो अभी है नहीं। आप कृषियों देख लीजिए ना, कहाँ कितनी लड़कियाँ और कितने लड़के काम करते हैं। तो ये जो विभाजन हुआ है, ये जो दिलों में एक दरार आई है, जो आवाज़ों में दरारें पड़ गई हैं, उन दरारों ने बड़ा आने वाले समय में कहीं ज़्यादा नुकसान न कर दें, मुझे इसका थोड़ा भय है। लेकिन कुछ भी हो, लड़कियां चुप नहीं रहेंगी और अब बोलेंगी। अगर नहीं बोलेंगी तो फिर वो वापस उसी खोह में चली जाएंगी, उसी तकलीफ में चली जाएंगी जो 25 साल पहले से। तो देखिए कुछ चीज़ें बदलती है ना, कुछ नई चीज़ें होती हैं, कुछ आवाज़ें उठती हैं, हलचल मचती है, हिलोर होता है, और कुछ समय ऐसा होता है उसके बाद सब ठीक हो जाता है, क्योंकि अंततः तो हमें तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तो चलना तो बंधु और सखा के साथ ही है। तो अगर दोनों में समझदारी हो तो आपस में बंधुत्व कायम कर ले, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत सकारात्मक और उम्मीद वाली स्त्री हूँ कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्त्री पुरुष दोनों ये स्वीकार लेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथी हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।